उसमें से तूफानी सिंह और सुजीत सिंह प्रतापगढ़ के 25,000 की इनामी बदमाश भी हैं। कोई कभी कोई ऐसी माफिया किसी के लोग थे उसे कोई तरीके से बदमाशों परिवार के लोग उनके साथी बराती इनके परिवार के लोग कि ये कब तक बचोगे, हम कभी ना कभी छूट करके आएंगे और पूरे परिवार के लोग मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के लोग हैं, इसलिए उनका थोड़ा मन बड़ा हुआ कि हमारे बिरादरी का मुख्यमंत्री, इसलिए हमारा निकलने वाला नहीं। ये लोग जौनपुर सुजानगंज थाना अंतर्गत लोहिंदा गांव से आए हुए हैं। ये दलित मुस्लिम पसमांदा मुसलमान हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और इनके घर के सामने एक बोलेरो गाड़ी इनकी खड़ी थी। कुछ वहां के दबंग किस्म के लोग आए और शराब पीने लगे गाड़ी पर रख करके, और इन्होंने वो अपनी गाड़ी वहाँ से हटा ली, इस पर नाराज़ हो गए और उनके घर में आ करके मारपीट किया, घर के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, और उसमें कमाल हुसैन साहब को इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। उनको बचाने के लिए उनकी भाभी गई, उन पर लेट गई तो इनको भी मारा, इनकी पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाला, और ये उन्होंने अपने असलहे के बट से मारा, इनकी एक आँख में कोई धारदार हथियार घुसेड़ दिया, इनकी आँख फूट गई और इनके नाक को तोड़ दिया, और बुरी तरह से गले में तमाम ये मारपीट किया, राड से देखिए तब अभी भी निशान, इतने दिन बाद ये निशान पड़े हुए हैं। तो इतनी बुरी तरह से ये वारदात इन दबंग लोगों ने किया, जिसमें चार लोग थे, मिस्टर सनी सिंह थे, तूफानी सिंह थे, और रजनीश सिंह और सुजीत सिंह, और जिसमें से तूफानी सिंह और सुजीत सिंह प्रतापगढ़ के 25,000 के इनामी बदमाश भी हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि दिन दहाड़े इन दलित पसमांदा मुसलमानों को इन लोगों ने कितना कमज़ोर समझ लिया कि जब चाहो इनको मार लो, पीट दो, इनके साथ इनको न्याय मिलने वाला नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसी सोच के तहत वारदात हुआ। और ये लोग आज मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, मुख्यमंत्री जी इत्तेफाक से नहीं मिल पाए, उनके तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने सुना और न्याय के लिए आश्वासन दिया, और ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम है उनसे भी मिले, उन्होंने न्याय का आश्वासन दिया। ऐसा कि आप बता रहे हैं मारपीट में क्या पुरानी कोई रंजिश तो नहीं है? कोई कभी कोई रंजिश पुरानी नहीं थी, वो शेर पुष्ट माफिया किस्म के लोग थे, उसे कोई भी ऐसे भी नहीं गिरता था। वो लोग अपना दारू लेकर के आगे आगे तबाक से पीने लगे, कभी से कोई कहा सुनी नहीं, और ना कोई उनसे कोई सरोकार किसी तरह रहा, कोई बिजनेस का या कोई काम को लेकर कभी कुछ बात नहीं रही इन लोगों की। प्रशासन का क्या रवैया है? प्रशासन की ढीली रवैया के चलते इनको जैसे अब तक 7 मार्च की घटना, आज 22 तारीख हो गई, अब तक पुलिस को कम से कम नहीं तो गैंगस्टर और रासुका वगैरह लगा देनी चाहिए। वो बदमाशों को तो उन्होंने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस अभी कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरीके से बदमाशों के परिवार के लोग उनके साथी बराती इनके परिवार के लोगों को दूसरे धमकियां दिलवा रहे हैं कि ये कब तक बचोगे, हम कभी ना कभी छूट करके आएंगे और पूरे परिवार का सफाया करेंगे, तो ऐसे में इनको न्याय मिलने की बात हो रही है और धमकियाँ भी मिल रही है। तो इनको एक भी आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कल आज कल फिर नुकसान पहुँचाएँ, और ये शेरे पुष्ट लोग हैं, और कहीं धन धन बल के चलते, शोर सिफारिश के चलते कहीं ऐसा ना हो कि जांच को प्रभावित करे और हमें न्याय न मिले, इनको ऐसी आशंका, इसीलिए मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। अगर आप इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कह दी है, उनके प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर ली है और अपनी मांग भी रख दी है, और वहाँ पर जब भीड़ लगी है तो मृतक की डेड बॉडी उठने से पहले वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने इनको वादा किया था कि हम एक लोगों को नौकरी देंगे परिवार मृतक के, और सरकारी नौकरी देंगे, और हम उनकी आर्थिक मदद भी करेंगे, और उनको ज़मीन भी पट्टा करेंगे, क्योंकि भूमिहीन लोग हैं, ये लोग मजदूर लोग हैं, ये और सारे आश्वासन दिए। तो मेरी मांग ये है कि जो वहाँ स्थानीय प्रशासन ने इन लोगों से मिट्टी से पहले, जनाजा उठने से पहले जो वादा किया था, वो वादा पूरा करें, और इनको आर्थिक मदद के रूप में कम से कम 50 लाख रुपए इनके परिवार को, जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर हैं। देखिए माफिया जो लोग ये वारदात करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता का उनके ऊपर हाथ होता है, माफिया उनके ऊपर होते हैं, तो इन लोगों को जो इतना मनबल है, इतना मन बढ़ा हुआ है, बेफिक्र हैं, बेखौफ हैं, तो बेखौफ के अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि कोई ना कोई आकर मेरा ऊपर है, मुझे बचा लेगा, ऐसी कुछ ना कुछ उनके अंदर ये मानसिकता है। और ये सारे लोग मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के लोग हैं, इसलिए उनका थोड़ा मन बढ़ा हुआ कि हमारे बिरादरी का मुख्यमंत्री, इसलिए हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं इसी तरह तमाम इस देश के अंदर जो भाईचारा इस देश के अंदर हवा में खुली हुई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से भाईचारा जो रहते हैं, उसको तो कोई हिला नहीं सकता, इस चूंकि मिट्टी में और इस हवा में घुली हुई है भारत की, इसको तो कोई नहीं हिला सकता।
लेकिन ये सांप्रदायिक सोच के लोग कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आपस में लड़ाने काम करते हैं और सद्भाव बिगाड़ने काम करते हैं, भाईचारा खराब करने काम करते हैं। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि इस भारत की जनता उनकी बातों में कभी आने वाली नहीं। यहाँ भाईचारा बोलेरो खड़ा था वहीं पर, वो लोग चार लोग आए शराब पी रहे थे, तो वही उनको मना कीजिएगा, उनको गाली पकड़ दे रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, कहा गया कि हम अपनी गाड़ी भाड़ा लेकर जा रहे हैं। यही बात वो बुरा लग गया, इसलिए वो लोग मारपीट करने लगे। तो आस पास लोग आए समझा बुझा कर वापस भेज दिए। फिर थोड़ी देर बाद आए वो लोग, फिर से हम लोग घर के अंदर चले गए, दरवाज़ा जो बंद कर लिए थे, बोले कब तक नहीं निकलो घर से, आए दरवाज़ा फरवाजा खोलने लगे, तोड़ने लगे, फिर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए हमारे को नमाज वमाज पढ़ कर वापस आए, तो वहीं मारने लगे वहीं मारे, इतना मार दिए वो गिर गए, मतलब तब तो बोल नहीं पाए। हमारी अम्मी को बचाने के लिए ऊपर लेट गई, हमारी अम्मी को बहुत मार दिए, मुझे मार दिए, दो दो टाका लगा हुआ है, मेरी बड़ी मम्मी को मार दी, फायरिंग भी किए उन लोगों ने। तो कौन लोग हैं, कोई दबंग है कि? जी वो लोग दबंग है, 25,000 इनामी लोग हैं। अब आप क्या चाहते हो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री से क्या चाहते हो? मुख्यमंत्री कहना चाहेंगे उन लोगों पर रास्ता हो, रास्ता लगे और रजिस्टर की कार्रवाई हो, बड़ी से बड़ी सजा मिले, हमारी भी आर्थिक मदद की जाए, हमारी ये बहन शादी करने की है उसके लिए कुछ मदद चाहिए, और हमारे लोग पढ़ाई लिखाई के लिए मदद चाहिए।